लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया था। इसके बाद पीएम मोदी ने अपील की थी कि पूरे देश में 22 जनवरी तक अपने आसपास के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। पीएम मोदी की अपील के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान मंदिर में साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने पहले भगवान पर चढ़े हुए फूलों को हटाया और उसके बाद मंदिर में पोछा लगाकर साफ सफाई की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया था और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया था। आपको बता दें कि 14 जनवरी से सरकार के द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान अगले 11 दिनों तक चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने आम जनों से विशेष स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। सर, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय है, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या होता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसे लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अपील के बाद बीजेपी सरकार और संगठन ने 14 जनवरी से प्रदेश के मंदिरों, मठों और तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से विशेष पूजा की भी शुरुआत हो रही है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी।